ओके बेटे, नेक्स्ट टेक्निक क्या? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जिदा हमने आप डिस्कस किया कि पुरानी पहले चीज़ा देख लेनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई नहीं लगता, तो कोई फॉर्म नहीं है, तो ये अंदर एक बड़ी यूनीक जी पछाण होंगी है कि इंटीग्रेशन अति होगी। अच्छा, पहले एज ए एग्जाम्पल चलते हैं, फिर आप जनरलाइज कर लेंगे। मान लो सपोज करो आ इंटीग्रेशन दी है, इतने एक असी एग्जाम्पल ले लें, लच्छे साइन एक्स दी पावर लच्छे 2018 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सपोज करो आ क्वेश्चन दिता है। हुण इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखिए कि इज इट सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नहीं कला साइन से या कला कॉस से ध्यान नहीं है। ठीक है, सो उदे बाद इहदे अंदर असी हमेशा ये वेखना कि किते कोई फंक्शन इहोजा तां नहीं है जिहदी डिफरेंसीएशन, ठीक है, या जिहदा डेरीवेटिव, ठीक है, तुहाडे न्यूमिनेटर दे अंदर पिया होवे। किते भी हो सकदा है इत्थे या इत्थे कोई एक फंक्शन लभना है जिहदी किते कोई डिफरेंसीएशन तां नहीं पई। हुण अगर इस एग्जाम्पल च देखदे हां, साइन एक्स इहो जिहा फंक्शन है जिहदी डिफरेंसीएशन इत्थे न्यूमिनेटर च कॉस एक्स पई है। ठीक है, सो की देखना है कि फंक्शन दी डिफरेंसीएशन न्यूमिनेटर दे अंदर टू बिगिन विद। ठीक है, कोई फंक्शन इहो जिहा तां नहीं है जिहदी डिफरेंसीएशन न्यूमिनेटर च पई होवे। तो अगर इदां है जिहदी डिफरेंसीएशन है, तो जिहड़ा वो फंक्शन है एफ एक्स, उहनू असीं टी सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नू एक्स की बजाए टी च लै जाएंगे। जिदा हुण आही क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं इहदे साइन एक्स नूं, क्योंकि साइन की पूरे की डिफरेंसीएशन नहीं है कॉस, साइन की है कली, सो वो साइन किते भी हो सकता है, वो ऊपर है नीचे है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इट कैन बी एनीवेयर, बट जिहड़ी डिफरेंसीएशन है उस पर्टिकुलरली न्यूमिनेटर दे नाल ही पई होवे, इत्थे होवे जां इधर होवे, इट शुड बी इन द न्यूमिनेटर। सो साइन एक्स नूं अगर असीं टी सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट्स सी होगा कि हुण अगर इस डिफरेंसीएशन करते हैं, हाँ जी, डी टी कितना हो जाऊगा? कई बार बच्चों एक्चुअली डिफरेंशियल तुम इधर ले जा नहीं सकते, तो टेक्निकली गलत हो जाता है, बट डिफरेंसीएशन अगर कहिए डी टी बाय डी एक्स की होएगा कॉस एक्स, डी टी बाय डी एक्स कॉस एक्स है, सो डी टी कितना हो जाऊगा कॉस एक्स डी एक्स, या इसका डिफरेंशियल कितना है डी टी। सो कई बार जो डिफरेंशियल की टर्म च वर्क नहीं करना, तो तुम डी टी बाय डी एक्स नॉर्मल डिफरेंसीएशन कर लो, डी टी बाय डी एक्स इज हाँ जी कॉस एक्स, सो डी एक्स नू सॉर्ट ऑफ तुम इधर ले, अगेन टेक्निकली ये सही नहीं होंगे बट तुम लिख लिया इनू, सो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। जोड़ा कॉस एक्स डी एक्स है आ वाला नंबर बेटे, कॉस एक्स डी एक्स की हो गया थोड़े को डी टी, दिस गोज इन टू डी टी। ठीक है, और हुण थोड़े को की आ गया, साइन एक्स नू की पुट किया सी तुसी टी, ते क्वेश्चन बन गया टी दी पावर 2018 डी टी। ना हुण अगर देखिए तो ए की है एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स, इन्हां ते आई सपोज असी फॉर्मूले दे लिस्ट दस्या सी, दूजा तीजा रूल सीगा कि वेरिएबल चेंज ना फर्क नहीं पैंदा, तो इत्थे ये हो गया एक्स दी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी टी है, सो ये एक्स दी टर्म सोचो तो एक्स दी पावर एन डी एक्स वाला सवाल, तो पावर फॉर्मूले का क्वेश्चन है। सो अगर यदि इंटीग्रेशन करनी है, हाँ जी, किन्नी होगी एक्स दी पावर एन प्लस वन, हाँ जी, डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी, और टी दी वैल्यू हुण तुसी वापस फिल कर सकते हो, सो टी किन्ना बेटे साइन एक्स, सो दिस इज साइन एक्स दी पावर 2019 बाय 2019 प्लस सी। सो ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके मैं समझाया कि प्रॉब्लम दे अंदर कोई फंक्शन नू ख्याल ना वेखो कि अगर स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, किते कोई डिफरेंसीएशन किसी फंक्शन दी ते नहीं पई, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है न्यूमिनेटर च डिनोमिनेटर च, बट वो जिहड़ी डिफरेंसीएशन है वो तुहाडी न्यूमिनेटर दे अंदर पई होवे, दैन उस फंक्शन नू असीं टी सब्सटीट्यूट कर दिंदे आ या कोई होर वेरीएबल सब्सटीट्यूट करता, इहनू डिफरेंशिएट करांगे डी टी बाय डी एक्स किन्ना आऊगा, हाँ जी साइन एक्स, सो डी टी हो गया सॉरी साइन दी कॉस एक्स, डी टी हो गया कॉस एक्स डी एक्स। ये पोटी इस करके किया, सानू पता है कि इहदी डिफरेंसीएशन है साइन दी डिफरेंसीएशन कॉस है, तो इस करके ही आपां उहनू डिफरेंशिएट करके सब्सटीट्यूट किया, सो डी टी आ जाएगा बेटे कॉस एक्स डी एक्स, आ जिहड़ा फंक्शन है इहदी वैल्यू डी टी आ गई। ठीक है, हुण असीं प्रॉब्लम नू टी च लै गए हैं, और आ सीगा बेटे टी, ठीक है, टी दी वैल्यू सी साइन एक्स, सो टी दी पावर 2018, और ये हुण पावर फॉर्मूले का क्वेश्चन बन गया, यू सी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर एन डी एक्स, हाँ जी, एक्स दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, आ इंटीग्रेट हो गया बेटे। सो ये अंदर आपको एक चीज़ समझ आ गई, हुण इत्थे जिवें मैं साइन लिया सी, इत्थे कॉस हो सकता है,
ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਟੈਨ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਟੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ, ਲੋਗ ਐਕਸ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1/x ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਟੈਨ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਗ ਐਕਸ ਅਤੇ 1/x ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਐਕਸ, ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਿਊਮੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਐਂਡ ਇਨ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ। ਜੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗੇਨ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ, ਸੋ ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਕੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਆਫ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀ ਐਕਸ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਡੀ ਟੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀ ਐਕਸ, ਸੋ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆਰ ਡੀ ਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਕਸ ਤੋਂ ਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਲੋਗ ਐਕਸ ਬਾਈ ਐਕਸ। ਅਗੇਨ ਹਰੇਕ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ 1/x ਸੀਗਾ ਲੋਗ ਐਕਸ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਚ ਹਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਗ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਗ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ 1/x ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੋਗ, ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ 1/x ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਅਗਰ ਲੋਗ ਐਕਸ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ 1/x ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 1/x ਟੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਗ ਐਕਸ ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਲੋਗ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1/x। ਸੋ ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/x ਡੀ ਐਕਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ, ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ 1/x, ਫਿਰ ਆ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਈਟ ਇੱਦਾਂ। ਤੋ ਐਕਚੁਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਡੀ ਡੀ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/x ਡੀ ਐਕਸ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਤੋਂ ਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਡੀ ਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਲੋਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਟੀ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਟੀ ਮਤਲਬ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਗ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2 ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ -1/2 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਪਲੱਸ 1, ਹਾਂਜੀ ਹਾਫ ਪਲੱਸ 1 3/2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3/2 ਪਲੱਸ ਸੀ,
और लास्ट के अंदर तुसी टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। टी कि क्वेश्चन तुम्हें एक्स गिवन सेगा तो इस करके टी की वैल्यू लॉग एक्स इतने रख दो। सो लॉग एक्स द पावर 3/2 / 3/2 प्लस सी आवेदा थोड़ा आंसर है। ठीक, आई होप क्लियर है। सो अगेन डिफरेंसिएशन के फॉर्मूला बिल्कुल थरो क्वेश्चन वेख दी तुम्हें लग जूगा समझ नहीं आ रहा डिफरेंसिएशन लॉग एक्स दी डिफरेंसिएशन। ठीक है, बाकी सॉल्व कर ले। ओके नेक्स्ट हुण इस फंक्शन के अंदर हाँ जी थोड़ा ख्याल ना वेखो डिफरेंसिएशन एक्स क्यूब का डेरीवेटिव किन्ना है 3x2। सो एक्स क्यूब नूं अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं बेटे तो किन्ना आता है 3x2। सो जिहड़े कॉन्सटेंट वगैरह बेटे इहदे बारे बॉदर करन दी लोड़ नहीं है। मेन एक्स का फंक्शन देखो क्योंकि कॉन्सटेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक, सो इत्थे एक्स क्यूब है तो इत्थे x2 है तो ठीक है इहदी डिफरेंशिएशन है। और नाल जिद्दां कदे कोई कॉन्सटेंट पिया होवे तो इहनूं भी नाल ही लै लो। रीजन बीइंग कि अगर मैं पूरे नूं डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि 1 दी डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाणी है। सो रादर दैन कल्ला एक्स क्यूब नूं टी पुट करन दी बजाय पूरे नूं अगर कोई नाल कॉन्सटेंट होवे तो वह भी लै लो उन्ना क्वेश्चन थोड़ा होर सिंपलीफाई हो जाएगा। सो वट आई एम ट्राइंग टू से कि इत्थे अगर मैं इस क्वेश्चन 1 + x³ नूं टी पुट करा तो नीचे टी आ जूगा पूरा है ना। जे मैं इनू टी पुट करा तो 1 + t आना सी इंटीग्रेशन तो दोनों की हो जानी बड़े थोड़ी सिंपलीफाइड हो जाएगी। सो अगर अगे तो कदे भी कॉन्सटेंट नाल होवे तो उन्होंने भी नाल लै लो। राइट, फाइन। सो हुण डिफरेंशिएट करिए हाँ जी dt/dx किन्ना होगा यदि 0 यदि 3x² एंड आ dx। सो हुण साढ़े न्यूमिनेटर से की पे x² dx। सो x² dx हाँ जी किन्ना dt/3 आ 3 नीचे लै जाओ। सो देयरफोर dt/3 इज इक्वल टू x² dx। सो x² dx जिहड़ा आ वाली वैल्यू है पुत्र आ वाली वैल्यू न्यूमिनेटर के अंदर सो यदी वैल्यू आ गई बेटे dt/3 मैं कॉन्सटेंट आ इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा। और आ हो गया डिवाइड बाय 1 वैल्यू कि पुट की है बेटे टी। सो आड़े को एक बड़ी सिंपल जी इंटीग्रेशन आ गई 1/t dt। हाँ जी 1/x dx की फॉर्मूला से 1/x dx का लॉग मॉड एक्स। सो 1/t dt इज लॉग मॉड टी प्लस सी। सो 1/3 लॉग मॉड हाँ जी टी कि पुट किया बेटे 1 + x³ प्लस सी आ बेटे आंसर। ठीक है, आई होप आप मैथड थोड़ा क्लीयर हो रहा है। फंक्शन देखो पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई नहीं यहोजा वो बाद डेरीवेटिव चैक करो किसी फंक्शन के डिफरेंसिएशन तो नहीं है वो हैगी तो उस फंक्शन टी पुट किया डिफरेंशिएट किए और बाद करस्पॉन्डिंगली क्वेश्चन एक्स तो टी च लै गया। ठीक है बेटे नैक्सट एग्जाम्पल। ओके 46 क्वेश्चन जो है थोड़ा एक मिनट सोचो इनू 2 की चलो डिफरेंसिएशन 0 है 10x पे है टैन की डिफरेंसिएशन कितनी होती है sec²x। न्यूमिनेटर की है 1 + tan²x तो 1 + tan²x भी आइडेंटिकली sec² होंगे। सो देयरफोर आर 1 + tan²x है बेटे दिस इज एक्चुअली sec²x। ठीक है आ sec²x है। सो sec²x dx डिवाइड बाय 2 + tan²x। सो ये भी ऑलमोस्ट पिछले सवाल वर गई। सो हुण क्लीयरली बेटे आ फंक्शन एक पे है जिहदी डिफरेंसिएशन आया क्योंकि अगर मैं टी पुट करूँगा पुत्र तो 2 की डिफरेंसिएशन 0 10x की sec²x। सो देयरफोर लेट 2 + tan²x इक्वल टू टी dt/dx। चलो इनू अगेन ये जिन्होंने कंफर्टेबिलिटी नहीं है अगेन मैं पहला कह चुका लिखना सीधा चाहिए हाँ जी इक्वल टू sec²x। सो dt हो जाएगा हाँ जी sec²x dx। सो देयरफोर dx पुत्र हो गया सॉरी sec²x dx हो गया आ वाली वैल्यू ये थोड़े को आ गया dt इतने आ गया डिवाइड बाय हुण आ जिहड़ा नंबर है बेटे ए टी से जिन्हों पुट किया। सो दैट इज़ द सिंपलस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कैन यू सी वन थिंग कि जिन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं सारे किच रिड्यूस हो रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले। और स्टार्टिंग लैक्चर मैं यही कहा जिड़े भी थोड़े क्वेश्चन आ या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला गिवन होगा या समहाओ वे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है सो सारे उच्च रिड्यूस हो रहे हैं। सो dt/t की हाँ जी 1/t की लॉग मॉड टी प्लस सी दैट इज़ लॉग मॉड टी कि बेटे 2 + tan²c आंसर। ठीक है ओके चलो इतने थोड़ा जहां अमेंड करिए। मान लो इतने कुछ लिखा होंगे लाइक
मैं क्वेश्चन हूँ चेंज कर रहा एक चीज़ आप दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आ लिख टू प्लस टेन एक्स नाउ अगेन कोई पैनिक नहीं इतने गिवन की है यदि पावर टेन दिती है ठीक है ना हूँ इतने की कहना है कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना लुक एट दिस क्वेश्चन वंस अगेन हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स की डिफरेंसिएशन है टेन एक्स की या लाइक टू प्लस टेन एक्स की सो यदा मतलब असी हूँ टी जो सबस्यूट करा इनू करा पा जे फंक्शन का डेरीवेटिव है सो वी आर गोइंग टू सबस्यूट दिस फंक्शन इक्वल टू टी कई ये मैं बार बार क्यों एम्फसाइज कर रहा कई बच्चे पूरा पावर टेन लैके पूरे टी पुट कर दे पूरे की डिफरेंसिएशन नहीं है डेरीवेटिव कि टू प्लस टेन एक्स का राइट तो इनू टी पुट करेंगे जिंदा भी सो आते इतक ठीक आ गया सो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ गया तो पिछला सवाल ये होना नीचे की आ गया टी की पावर टेन आ गई ठीक है सो टी की पावर टेन आ गई तो ये की हो गया हूँ कि फिर पावर फॉर्मूला टी वन बाय टी की पावर टेन कितना होगा पुत्र टी की पावर माइनस टेन डी टी हाँ जी ये एक्स की पावर एन डी एक्स हाँ जी एक्स की पावर एन प्लस वन सो टी की पावर माइनस टेन प्लस वन माइनस नाइन बाय माइनस नाइन प्लस सी और टी की वैल्यू फिल कर दो सो टू प्लस टेन एक्स रेस टू पावर माइनस नाइन बाय माइनस नाइन प्लस सी बट यह आंसर है तो यह मतलब फंक्शन कितने भी पै डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कितने भी बेच है और उपर डेरीवेटिव है तो उन्होंने सबस्टूट करो वो कितने ना कितने स्टैंडर्ड फॉर्म च आजूगा ठीक है एक सबस्टूशन अगे अगे वेखांगे दो दो सबस्टूशन भी तो और ये जी डायरैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया उन्होंने तुम इंटीग्रेट कर लो ठीक है सो आई होप आ क्लियर है नैक्सट एग्जाम्पल ओके ला नैक्सट एग्जाम्पल अच्छा ये ना एक होर चीज़ मैं दसदा कई बार ये हमेशा एक क्वेश्चन चक के तुम रफ च एक बार लैके जाया करो डायरैक्टली फिर सॉल्व करने की बजाय जे तो डायरैक्टली नज़र आ रहा सबस्टूशन है बिकॉज हूँ मतलब आह क्वेश्चन करना जब तुम चैप्टर मुका लेना पुत्र तो असी चलो रीकैप भी लिया जिम्मे चैप्टर मुकाने के बाद आइडिया हो जाएगा कि यार पहला तो होंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले फिर होंगे है स्टैंडर्ड टाइप्स फिर ए एक्स प्लस बी एंड होर आप टाइप्स करनी तो तुम्हें इन्ना लग जाएगा पता यार कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है तो जब वो नहीं है तो फिर मजोरिटी ऑफ टाइम क्या होंगे कि सबस्टूशन का ही सवाल होंगे सो एज आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुहाडे सबस्टूशन दे सो पहला सबस्टूशन चेक करन लगे हुण डिफरेंसिएशन डायरैक्ट नज़र आती तो ठीक है तुहानू उन्नी विजुअलाइजेशन नहीं है तो तुसीं रफ च जाके चैक करो जिवें इत्थे इत्थे ते क्लियर है कि क्यूब की डिफरेंसिएशन स्क्वेयर है साइन की कॉस है तो पहला तो उत्थे ही अंडरसटैंड करन की कोशिश करो कि यार कितें डिफरेंसिएशन तो नहीं है तो कई बार उन्हें रफ च लैके जाओ डिफरेंशिएट करके वेखो कि उहदा डेरीवेटिव तो नहीं पिया सो इस केस के अंदर वी कैन सी कि आह जिहड़ा फंक्शन है यदी डिफरेंसिएशन है तो उन्होंने आप एक बार प्रॉपरली कर लीए साइन ऑफ थ्री एक्स इनू अगर मैं टी पुट कर दिया हाँ जी डी टी कि होगा बेटे थ्री एक्स स्क्वेयर हाँ जी साइन एक्स की डिफरेंसिएशन कॉस एक्स चेंज रू लग जाना बट एक्स जिहड़ा एदा है फिर यदी डिफरेंसिएशन मल्टीप्लाई करा सो कि होगा थ्री कॉस थ्री एक्स एंड डी एक्स या डी टी बाय डी एक्स इक्वल दिस तुसी डी एक्स उधर लै गए दोज़ हू आर कंफर्टेबल दैट वे ना हुण लुक एट दिस न्यूमरेटर कितना एक्स स्क्वेयर ठीक है वह भी है कॉस थ्री एक्स तो आ थ्री बेटे जो एडिशन लिया इन बाहर कॉमन कर लिए सो डी टी इज इक्वल टू थ्री इतने बाहर आऊगा और नीचे लै लीए एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस थ्री एक्स एंड डी एक्स दैट्स इट बेटे क्वेश्चन हो गया हूँ एक्स स्क्वेयर कॉस थ्री एक्स डी एक्स आडे को आ गया डी टी बाय थ्री वन बाय थ्री है कॉन्सटेंट बेटे मैं बाहर कड़ लिया इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट चो सॉरी इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट नहीं फंक्शन के अंदर कॉन्सटेंट हो बहर आ जाता है और आ भी कवर हो गया डि वन न्यूमरेटर से बच गया सो इनू टी पुट किया आप ठीक है एक्स क्यूब दैट इज टी सो दैट्स इट सो कि आ गया बेटे वन बाय थ्री वन बाय टी की इंटीग्रेशन पुत्र लॉग मॉड टी प्लस सी हाँ जी आ गया वन बाय थ्री लॉग मॉड टी किन्ना से पुत्र एक्स क्यूब प्लस साइन थ्री एक्स प्लस सी आंसर बेटे ठीक है सॉरी ये क्वेश्चन का सब ईजी पछाने जाते ना बेटे कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो और नज़र डेरीवेटिव नज़र आ जाते हैं तो यू कैन डू दैट ठीक है ओके नैक्सट एग्जाम्पल अगेन जिदा मैं थोड़ा क्या सी क्वेश्चन ईवन मेरे सॉल्व करने तो पहला एक बार ट्राई करो कि डेरीवेटिव पिया लाइक जिदा हूँ आ देखिए वह नज़र ही आ रहा है कि आ एक फंक्शन है यदि डिफरेंसिएशन करा अगर पूरे की कि आ गया टू एक्स प्लस वन और इतने भी तो पिया अगर मैं टू कॉमन ले लाँ बेटे सो अगर आ टू इतों कॉमन ले लीए पुत्र तो कि आ गया टू एक्स प्लस वन दैट्स इट यही चाहिए सी इन टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स गल मुकी
सो इहदा मतलब हो गया कि हुण आ साडा फंक्शन एक न्यूमरेटर च पिया है इहदे नाल क्लब हो जाऊगा इहनूं अगर मैं टी पुट करा सो इत्थे टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सो डी टी इज इक्वल टू हाँ जी टू एक्स प्लस वन हाँ जी ये डिफरेंशिएशन सो बाय इधर डी एक्स आ जाऊगा डिफरेंशियल ओहदा सो टू एक्स प्लस वन डी एक्स टू एक्स प्लस वन तो डी एक्स ए बेटे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना बेटे दिस कैन बी मूवड ओवर दैर इधर भी आ सकता सो ए क्लब जरूरी नहीं है कई बार बच्चा हों इत पाया ये नाल ए भावे इधर हो इट शुड बी लाइक इतने ए लोकेशन नहीं मैटर करती मैं क्योंकि ए टाइम्स बी कॉम्पिटेटिव है ना बेटे बी इन टू ए तो इधर पिया हो इधर कोई मैटर नहीं करता छोटा जी गल है कई बार बच्चे कहते नहीं सर ये तो इतने पे इधर होना चाहिए गल तो एक ही है ना तो सो ए हुण हो जाऊगा टू टाइम्स टू एक्स प्लस वन डी एक्स बेटे कि हो गया डी टी ठीक है इनू पुट किया टी तो आ गया टी की पावर अंडर रूट मतलब टी की पावर वन बाय टू सो फाइनली एक रिड्यूस हो गया ये रिड्यूस हो गया जाके पावर फॉर्मूले के अंदर सो य एक्स की पावर एन प्लस वन हाँ जी थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू बाय टू उपर आ जाएगा प्लस सी सो इतने टी की वैल्यू पुट कर दो फोर बाय थ्री हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाय टू प्लस सी पुत्र आंसर आ गया ठीक है सो अगेन वर्ड ऑफ एडवाइस बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को चट के फंक्शन लभो कि जी डिफरेंशिएशन पई है फिर ईजीली स्ट्राइक करो अगे ओके नाउ लेट्स मूव टू 49th एग्जाम्पल अच्छा ये हाँ जी फंक्शन बड़े सारे एक्स स्क्वायर पे फिर इतने एक्स क्यूब नज़र आता ठीक है भी यार एक्स क्यूब की डिफरेंस इन एक्स स्क्वायर है ठीक है फिर इतने ई रेस पर एक्स पे इतने भी ई रेस पर एक्स पे और ई रेस पर एक्स की डिफरेंसिएशन ई रेस पर एक्स होंगी सो लाइक इदा करते हैं फिर ट्राई अगेन जब मैं क्या वी नीड टू ट्राई आप ट्राई इनू अगर आप टी सब्सिट्यूट करते हैं लैट सी कि डिफरेंसिएशन आँगी कि नहीं आँगी ठीक है ये ऐसी काम रफ्स करना पहले ठीक है चाहे ट्राई करो कि क्योंकि ये तो डायरेक्ट सवाल है बेटे ये डिफरेंसिएशन पई होंगी है तो ये तुसी अपने लैवल पर एक बार वेखोगे रफ करके यार कितने डिफरेंसिएशन तो नहीं बिकॉज लुक्स लाइक ये चेंज रूल लावे तो आऊगा सो ई रेस्ट पार एक्स क्यूब नू अगर टी पुट करिए ठीक है अच्छा हुण इहदी डिफरेंसिएशन सारिया जनरली कि रूलों हो रही डिफरेंसिएशन के चेंज रूल ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंसिएशन होंगी सी ई रेस्ट पर एक्स सो असी एक्स ही मान लिया चेंज रूल के हिसाब न सो डी टी बाय डी एक्स कि हो जाएगा हाँ जी ई रेस्ट पर एक्स इंटू हाँ जी ए डिफरेंसिएशन सो एक्स क्यूब की कितनी होगी हाँ जी बेटे थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स ई रेस्ट पर एक्स की यू जस्ट अज्यूम टू बी एक्स उन्होंने डिफरेंशिएट कर दो और जिन्होंने तुम एक्स मानते हो एज पर चेंज रूल वो डिफरेंसिएशन के नाल मल्टीप्लाई कर देंगे सो डी एक्स इधर लिख दो है ना हम आई गैस एक्स क्यूब ई रेस्ट पर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स ये तुहाडे कोल डी टी आ जाएगा इतने थ्री नहीं है या तो आ थ्री नीचे रह जाओ फिर नैक्सट स्टैप इतने नीचे रह जाओ सो दिफर डी टी बाय थ्री या उत्थे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कोई एक ही गल है सो डी टी बाय थ्री इस हाँ जी कि आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पर एक्स क्यूब हाँ जी ये दोनों इंटू डी एक्स सो आ टोटल जिहड़ा फंक्शन है बेटे सो किहड़े किहड़ा आ गया एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स क्यूब एंड डी एक्स सो दिस आ कलैक्टिवली साढ़े को आजगा डी टी बाय थ्री ये आ गया बेटे डी टी डिवाइड बाय थ्री मैं वन बाय थ्री बाहर ले लिया हाँ जी बचा की सीकेंट स्क्वायर हाँ जी आ की लिया सी आपां टी ठीक है सीकेंट स्क्वायर टी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया सीकेंट स्क्वायर टी दी इंटीग्रेशन टेन टी है ना सो देयरफॉर दैट इज़ वन थर्ड ऑफ टेन टी प्लस सी दैट इज़ वन थर्ड ऑफ टेन टी कितना सी बेटे ई रेस्ट पार एक्स क्यूब प्लस सी आ बेटे आंसर है ठीक है सो इस फंक्शन की आ इंटीग्रेशन है मतलब यदा आ डेरिवेटिव होएगा ठीक है इनू डिफरेंशिएट करोगे उही आएगा चलो वैसे ही रैंडम एक रैंडम चेक इनू डिफरेंशिएट कर दें लेट्स डिफरेंशिएट दिस चेंज रूल दे नाल हाँ जी वन बाय थ्री तो वन बाय थ्री पिया आ टेन एक्स की फॉर्म है टेन एक्स की डिफरेंशिएशन की होंगी है सीकेंट स्क्वायर एक्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सो टेन इनू एक्स सपोज कर ले है ना दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पर एक्स क्यूब ठीक है हुण इत्थे चेंज रूल दे हिसाब नाल दैट इज़ वन बाय थ्री सीकेंट स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स क्यूब हाँ जी हुण आ ई रेस्ट पर एक्स वाली फॉर्म है सो ई रेस्ट पर एक्स की होंगी सी ई रेस्ट पर एक्स ई रेस्ट पर एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब दैट इज़ थ्री एक्स स्क्वायर सो बेटे थ्री के नाल थ्री कट्टेगा थोड़े को फाइनली की आ गया
x square e raised power x cube and this secant the term, ठीक है, so x square आ थोड़े को, so अगर integral है आते हो तो derivative होगा, ठीक है, so that is true actually, है ना, so next question करते हैं जो relatively simple है, तो k दे अंदर ते easily identify हो रहा है, हाँ जी 1 upon 1 plus x square पे है, again ये सारी हैं चीजें easily ताँ मैं कह रहा हूँ जो differentiation दे formula याद है ठीक है और जे नहीं याद तो याद करो नहीं तो चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं सो tan इनवर्स x अगर याद है तो बहुत ही फिर इजी लगता होना सो tan इनवर्स x दी डिफरेंशिएशन कितनी है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर सो ये तो कोई सोचना ही नहीं सो tan इनवर्स x नो बेटा t पुट कर दो सो dt इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx ठीक है सो आ dt dx अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt हो जाएगा so that is dt आ वाला dt चाह गया e दी पावर t गल खत्म और e raised to power t dt हाँ जी this e raised to power x dx standard formula e raised to power x the integration e raised to power x so e raised to power t दी e raised to power t plus c t के नासी बटिया so e raised to power tan inverse x plus c ठीक है answer right so एक कुछ examples ही जरिया बिल्कुल straight forward ओके नेक्स्ट हाँ जी जी देखो जरा ट्राई करो पहला डिफरेंशिएशन कैड़े कैड़े फंक्शन दिया साइन स्क्वायर एक्स नो चेन रूल ना करो डिफरेंशिएट हाँ जी की होता है साइन स्क्वायर एक्स नो डिफरेंशिएट करके हाँ जी चेन रूल ना डिफरेंशिएट करना है कि ना होगा टू हाँ जी साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बेटे कॉस एक्स ठीक है आप चेक कर रहे हैं भाई अच्छा एंड टू साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है पुत्र साइन टू एक्स ठीक है साइन टू एक्स इज देयर इवन कॉस स्क्वायर एक्स तो कर दें कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन भी कितनी होती है बेटे टू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन हाँ जी माइनस साइन एक्स ठीक है सो फाइन दोनों की आ रही तो अगर कलैक्टिवली मतलब पूरे नू टी अगर पुट करिए सो अगर इतने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स नू टी पुट करिए तो डेरीवेटिव कि आ गया बेटे डी टी आ जाएगा हाँ जी ए स्क्वायर एवं नाल कॉन्सटेंट हाँ जी ए डिफरेंशिएशन हाँ जी अगे माइनस बी स्क्वायर एवं नाल ए डिफरेंशिएशन इनटू डी एक्स आई गल अगे सा गल समझ आई बिकॉज ए स्क्वायर एवं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ठीक है एंड प्लस बी स्क्वायर ते कॉस स्क्वायर एक्स का तो ठीक है बेटे सो डी टी हाँ जी की होना आ रहा है इस आ साइन टू एक्स तो साइन टू एक्स ये कॉमन आ जूगा दोनों कॉमन आके की बचा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बेटे टू साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन टू एक्स इन टू डी एक्स चलो ठीक है बहुत बढ़िया जी साइन टू एक्स इन टू डी एक्स आ गया तो बाकी जो बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटे उन्होंने असी डिनोमिनेटर लै जाइए इतने है ना सो देर फोर डी टी बाय कॉन्सटेंट है वी कैन डिवाइड इज साइन टू एक्स ते डी एक्स सो हूँ बेटे आप ऑलमोस्ट देयर टू सोल्व सो यदी वैल्यू जी है साइन टू एक्स डी एक्स की दिस वैल्यू इज़ डी टी डिवाइड बाय हाँ जी कॉन्सटेंट बाहर लिख लो ठीक है सो ओपर न्यूमरेटर खत्म हो गया नीचे की है बेटे एनू की पुट किया पूरे नू टी ठीक है वन बाय टी गल खत्म सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ जी वन बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी ठीक है लॉग मॉड ऑफ टी ठीक है टी कितना सी आ वाला नंबर प्लस सी टी इत्थे पुट कर दो अगले स्टेप ते आही आंसर है ठीक है सो ये जब तुम एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना सेट क्वेश्चन करने के बाद फिर आइडिया हो जाता है भी डिफरेंशिएशन नहीं नवा कोई आता तो गूली रफ्स जाओ उन्हों एक दो बार चैकआउट करो डेरिवेटिव है उस फॉर्म च लियाओ ठीक है बेटे ओके नैक्सट एग्जाम्पल कर दें हाँ जी सोचो अगेन बार बार वही गल सेम चैक करना पैना डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर से चेक करते हैं भी यदि कितने डिफरेंशिएशन तो नहीं है विच इट इज़ है ना साइन की डिफरेंशिएशन कॉस तो कॉस दी माइनस साइन ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स नू अगर असी कुछ सब्सिट्यूट करते हैं तो उपर वह डेरीवेटिव पे सो डी टी आ जाएगा बेटे कॉस का माइनस साइन एक्स साइन का प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स ठीक है सो अगर प्रॉपर डिफरेंशिएशन कर दें तो डी टी बाई डी एक्स कितना होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स उधर
सो देयरफॉर डी टी आ गया पुत्र कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स एंड बेटी वो उपर द डेरीवेटिव है डिफरेंशियल पे है सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी हाँ जी आ डी टी आ गया डायरेक्टली बेटे डिवाइड बाय हाँ जी एनू असी पुट किया टी आ टी तो एंड चे टी अगेन एक आ गया वन बाय टी दी लॉग मॉड टी प्लस सी दैट इज लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आ बेटे थोड़े को नैक्सट क्वेश्चन आंसर आ गया ठीक है और वो बाद चलो नाल आ भी बिल्कुल मैं तो ही कट्ठे लिखे क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही है ये अंदर देखो हूँ कॉस टू एक्स अगेन कॉस टू एक्स अगेन आई एम रिपीटिंग दैट एंगल डिफरेंट है इतने टू एक्स इतने एक्स है तो पहला काम की करा ट्राई टू मेक द एंगल सेम सो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला की होंगे कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी साइन तो कॉस की टर्म च और वो थोड़ा क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा ठीक है आई होप तुसी आ नोट कर लिया सो ये असं ऐ करते हैं एंगल सेम करने की कोशिश करो कॉस टू एक्स है सो दी आ जाएगी वैल्यू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वेयर ठीक है कितों दिमाग च आया एंगल सेम मैं बार बार बोल रहा जिन्नी बार भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन किए हैं सो मेजोरिटी ऑफ टाइम यू मेक द एंगल सेम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा बिकॉज अगर कितने की डिफरेंसिएशन भी पई है तो जिवें नीचे एक्स एक्स है तो ट्राई करिए कि एंगल सेम हो सॉल्व डायरैक्टली सॉल्वेबल फॉर्म च आना शुरू हो जाएगा सो हाँ जी इतने हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ला दिए बेटे सो यह कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ठीक है इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वेयर मतलब क्वेश्चन रटना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री जिहड़े मैं टिप्स दे रहा नाल नाल दिमाग च रखी जाने क्योंकि कोई नवा क्वेश्चन भी आता तो तुहानू अते कोई एंगल हो रहा तो ट्राई करो ये सेम आवे तो वह सॉल्वेबल हो जाएगा सो ये कट्टिया गया तो आई गैस साडे कोल जिहड़ा क्वेश्चन तुसीं हुणे कीता 52nd क्वेश्चन आ गया ठीक है इहनू तुसीं हुणे ही आपां सॉल्व कीता इहनू उसी मैथड नाल सॉल्व कर लिया ठीक है दिस इज द क्वेश्चन वी जस्ट डिड राइट सो 52nd सो इस करके ए वी एडूस होगा वो बाद सॉल्व कर लेना आपां